आगामी जो उपचुनाव है किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए चुनाव तो इस मामले से हट करके है जी। आज ये मामला चूंकि बहुत गंभीर है, हम इसमें शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। हम चुनावी चर्चा तो बाद में ही कर लेंगे। एक सवाल है, हाँ, अयोध्या गैंगरेप मामले में नाहिद खान का डीएनए मैच नहीं, उसके नौकर राजीव खान का मैच हो गया, आज एक नई रिपोर्ट आई, नया मोड़ आया, कैसे देखेंगे? देखिए चूंकि होता ये है कि मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा शासन प्रशासन वाहवाही लूटने के लिए हर काम जल्दी जल्दी करता है, वो ये नहीं देखता कि सही मायने में दोषी कौन है। अगर वो झूठ करके भी किसी ने कह दिया, किसी दलित समाज के नौजवान पर आरोप लगा दिया, किसी पिछड़े समाज पे आरोप लगा दिया, किसी मुस्लिम समाज पे झूठे भी आरोप लगा दिया, तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी, तब जांच होगी। जबकि होना ये चाहिए ऐसे मामलों में तत्काल त्वरित प्रभाव से जांच की कार्रवाई होकर के अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी का मानक अपराध होता है, इसलिए अपराध के बिना पर अपराधी को सजा दिलाना चाहिए। एक बयान है, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी का मानक अपराध होता है, इसलिए अपराध के बिना पर अपराधी को सजा दिलाना चाहिए। एक बयान है रणदीप सुरजेवाला का, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर पूरा ब्राह्मणों की हत्या, उनकी राजनीतिक हत्या करने के बाद बड़ा दर्ज जो बढ़ा है राजनीतिक हत्या करने के बाद। अब बहरहाल सुरजेवाला जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ना मैं मौके मौजूद था ना मुझे जानकारी है। हाँ इतना जरूर है कि आज योगी के शासन में पूरा प्रदेश गुंडा राज की भेंट चढ़ गया है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, गुंडे माफिया अपराधी अराजक तत्व कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज कानून गूंगा अंधा बन करके केवल लोगों के लिए तमाशा का विषय बन गया, विशेष रूप से यदि प्रदेश में मुख्यमंत्री की बिरादरी का कोई व्यक्ति कितना भी गंभीर अपराध क्यों न किया हो उसके साथ कौन माफ। आज बड़े पैमाने पर जाति और वर्ग के भेद पर यह सरकार काम कर रही है, दलित पिछड़े मुसलमान इनके निशाने पर वोट देने के लिए दलित भी हिंदू पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो भाजपा के लोग दलित और पिछड़ों तथा मुसलमानों को दुश्मन नंबर एक मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के इस घृणित रवैये की मैं घोर निंदा करता हूँ। जिस मामले पे आप आए हैं इसमें इससे पतला क्या होगा आपका? मैं इस पर एसपी से बात किया हूँ, एडीजी से भी बात करने का प्रयास किया, अभी बात नहीं हो पाई। इसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर पुलिस प्रशासन हिलाहवाली करता है, अपराधियों को बचाने की कोशिश करता है, तो आगे यदि कोई बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी फिर सर्जन लेके आऊंगा।